देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हैं सिग्मा ऑपरेशन के बारे में। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है ना, इसी को सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा का जो मतलब होता है ना, वो होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, जोड़ना, समेशन। कोई दिक्कत? समझ रहे बात को? ऐड होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर सिग्मा ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान लो आर स्क्वायर प्लस मान लो टू दे दिया जाए ऐसे करके, और मान लो आर बराबर दे दिया जाए वन से लेके आपका 10 तक, या वन से लेके मान लो 5 तक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि आप आर बराबर वन डालो पहले इसमें, आर बराबर वन डालो तो ये क्या बन जाएगा? वन का स्क्वायर प्लस टू बनेगा, बनेगा? बोलो। फिर सिग्मा का मतलब होता है कि आप प्लस लिखो, सम करना है ना। फिर आर बराबर आपको क्या डालना होगा? टू डालना होगा। तो जब टू डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? टू स्क्वायर प्लस टू। फिर आर बराबर क्या डालना होगा आपको? तीन डालना होगा। तो प्लस लिख के सिग्मा का मतलब लिखना है प्लस, फिर आर बराबर थ्री डालो तो टू का पावर थ्री प्लस टू, फिर सिग्मा का मतलब प्लस। ये कब तक कहानी चलेगी? अपर सफिक्स तक, आर बराबर वन से लेके एन तक है ना, तो पाँच तक चलेगा, यानी कि अब खत्म हो जाएगा टू का पावर पाँच प्लस टू। क्या ये बात समझ में आई? तो सिग्मा का मतलब क्या समझ गए कि सिग्मा क्या बोलता है? अब सिग्मा मान लो तुम्हारा ये हो गया वन बाई टू आर, और आर बराबर वन से लेके मान लो फाइव तक, या चलो हम कर देते हैं 10 तक, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? वन बाई टू, आर का वैल्यू वन है तो इंटू वन होगा, फिर प्लस सिग्मा का मतलब फिर बल प्लस, फिर आर बराबर टू डालोगे कहाँ तक? वन से लेके एक दो तीन चार पाँच, फिर 10 तक डालना है। और हर बार जब वन टू थ्री डालोगे तो हर के बीच में, प्रत्येक के बीच में आप प्लस लगाओगे। यही होता है सिग्मा का मीनिंग। तो अब जरा बताओ क्या लिखें हम? वन बाई टू तो फिक्स है, आर बस बदलेगा क्योंकि आर ही ना वैरी कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? आर का वैल्यू टू हो जाएगा। फिर वन बाई टू इंटू थ्री, फिर वन बाई टू इंटू फोर प्लस एन सो ऑन वन बाई। बहुत बढ़िया। क्या यही सिग्मा का मतलब होता है? समझ गए क्या? अब अगर ये समझ गए ना, तो अब उल्टा लिखना समझना पड़ेगा आपको। उल्टा लिखने आपको आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ये ऑपरेशन कभी दिया रहेगा और इस ऑपरेशन से इसी को एक छोटे से रूप में लिखना है, कि ये बड़ा सा रूप जो दिखाई दे रहा है वो इस तरह से लिख दें ताकि हम खुद समझ पाएँ कि आर बराबर वन डालेंगे तो पहला मिल जाएगा, आर बराबर टू डालेंगे दूसरा मिल जाएगा, हमारा लास्ट टर्म पाँच है, पाँच डालेंगे तो टू का पावर पाँच प्लस दो मिल जाएगा। ये समझ में आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब उल्टा लिख के सिखाएंगे आपको। चलिए, अब ये आप हमें बताएं कि ये आपका थ्री स्क्वायर है, फोर स्क्वायर है, फाइव स्क्वायर है, सिक्स स्क्वायर है, सेवन स्क्वायर है, एट स्क्वायर है, नाइन स्क्वायर है। इसको आपको सिग्मा का रूप देना है। कैसे दीजिएगा आप? टू प्लस वन का स्क्वायर? ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट आर का स्क्वायर नहीं लिखेंगे? आर का स्क्वायर नहीं लिखेंगे? और सिग्मा आर बराबर कहाँ से लेके? तीन से शुरू कर देंगे, नाइन तक। क्या दिक्कत है? अगर हम ये पकड़ लिए कि तीन चार पाँच हो रहा है तो लगातार एक एक बढ़ रहा है, तो अगर हम आर स्क्वायर कर दें और आर का वैल्यू हम तीन रख दें तो तीन का स्क्वायर आ ही जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, आर का वैल्यू चार से शुरू होगा अगला बार, तो चार का स्क्वायर, फिर पाँच रखेंगे, पाँच का स्क्वायर, छः स्क्वायर, कहाँ तक डालना है? नौ तक, तो नाइन स्क्वायर। समझ में आई बात? आप क्या बोल रहे थे? टू प्लस आर का स्क्वायर, यही बोल रहे थे ना? बोलो। तो अब यहाँ पे R बराबर कहाँ से शुरुआत होगी? वन से होगी, क्योंकि अब जो है आपको वन डालोगे तो टू प्लस वन का स्क्वायर मिल जाएगा तीन। कहाँ तक डालना होगा आपको?
सेवन तक। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जैसे ही हम आर का वैल्यू सात डालेंगे तो सात और दो नौ, और नौ का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जरा ये ऑपरेट करके भी देख लो एक बार कि वन डालोगे तो दो और एक तीन का स्क्वायर आ जाएगा, दो डालोगे तो दो दो चार का स्क्वायर आ जाएगा, तीन डालोगे तो तीन दो पाँच का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ये दोनों चीज़ सही है, एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? एक ही चीज़ है। अब इसको ऑपरेट करके बताओ तो सिग्मा ऑपरेशन में क्या करेंगे, टू इंटू वन प्लस वन है, टू इंटू टू प्लस वन है, टू इंटू थ्री प्लस वन है, क्या लिखेंगे, क्या बदल रहा है, समझने की कोशिश करना क्या बदल रहा है और क्या फिक्स रह रहा है। ये टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू और वन, ये सारे फिक्स है ना, सब में वन वन जुटा हुआ है, देख रहे हो प्रत्येक सिग्मा में। हाँ, सिग्मा में हम क्या लिख देंगे, टू आर अब प्लस वन, और आर बराबर कहाँ से शुरू हो जाएगा, वन से, और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, टेन पे। तो आर बराबर वन डालेंगे तो अपने आप दो इंटू वन प्लस वन पहला टर्म आएगा, फिर आर बराबर टू डालेंगे तो टू इंटू टू प्लस वन आएगा, आर बराबर थ्री डालेंगे टू इंटू थ्री प्लस वन आएगा, आर बराबर फोर डालेंगे टू इंटू फोर प्लस वन आएगा, डॉट 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 इसी तरह से आर बराबर टेन डाल देंगे तो 2 इंटू टेन प्लस वन आ जाएगा। ये बात समझ में आई? yes। थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करेंगे, उसको भी आप करके दिखाओ क्या होगा। चलो एक ऊपर लिखे हैं, इसका सिग्मा वाला रूप बताओ, जरा गौर से देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू वन प्लस वन, 2 इंटू टू प्लस टू, 2 इंटू थ्री प्लस थ्री, 2 इंटू फोर प्लस फोर, और डॉट 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 करके लिखा हुआ है 2 इंटू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी। क्या सिग्मा ऑपरेशन दिया जा सकता है, क्या लिखें बताओ, टू इंटू आर और प्लस आर होगा, काहे कि ये वन है तो ये भी वन है, ये टू है तो ये भी टू है, ये तीन है तो ये भी तीन है, ये चार है तो ये भी चार है, मतलब ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, केवल ये कांस्टेंट रह रहा है वो नहीं बदल रहा है। तो टू इंटू आर नहीं बदलेगा, टू नहीं बदलेगा, ये बदल रहा है, आर बदल रहा है, तो इसको हम आर कर दिए, और ये अगला वाला भी बदल रहा था उसको भी हम आर कर दिए, और आर बराबर वन से लेके कहाँ तक, आर बराबर वन से लेके कहाँ तक, ट्वेंटी तक, क्योंकि वन डालेंगे तो टू इंटू वन प्लस वन आ जाएगा, टू डालेंगे तो टू इंटू टू प्लस टू आ जाएगा, तीन डालेंगे तो टू इंटू थ्री प्लस थ्री आ जाएगा, और लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लो, तो आर बराबर वन डालेंगे तो टू इंटू सॉरी आर बराबर ट्वेंटी डालना है ना, टू इंटू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी। समझ में आ गया बात? अब ये बात आप समझ गए तो आप देखो सिग्मा ऑपरेशन वहाँ वाला बाइनोमियल वाला कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं उस चीज़ को। चलिए तो इसका जो है सिग्मा ऑपरेशन आपको बताना है, ये भी जोड़ में लिखा गया है ना, प्लस 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 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, तो प्लस को हम क्या लिख देंगे सिग्मा, प्लस को हम क्या लिख देंगे सिग्मा। अब यहाँ पे ऐसा क्या टर्म लिखा जाए कि आर बराबर कुछ से कहाँ तक ख़त्म कर दिया जाए कि ये पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि ये क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या नहीं बदल रहा है और क्या क्या बदल रहा है। यहाँ देखो n बदल रहा है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, n बदल रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, एन सी आर लिख लो, आर बदल रहा है, जीरो वन टू थ्री आर ये लिख लो, जो बदल रहा है उसको आर लिख दो। समझ में आई बात? और ये भी देखो कि एन सी आर जो भी आप लिखते हो एन सी आर, उसमें एन सी आर होने के बाद जो पहला टर्म होता है ना ए, उसके ऊपर जो पावर जाता है इसका गैप जाता है, एन माइनस आर जाता है। ये बात समझ में आ रही है? और जो बी होता है सेकेंड टर्म, उसका ऊपर पावर आपका सी का लोअर सफिक्स जाता है। तो अगर हम यहाँ से बोले कि r बराबर वन से नहीं, वन से नहीं जीरो से, और n पे ख़त्म कर दें, तो r बराबर जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा, एन सी जीरो मिला, a का पावर n नहीं बदलेगा r बदलेगा, r बराबर जीरो है तो n माइनस जीरो आ जाएगा, n b का पावर जीरो, क्या वन हो जाएगा? अब वन डालोगे अगर r के जगह पे, याद रखना r वेरिएबल है n वेरिएबल नहीं है, तो एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन बी का पावर वन मिला। आर के जगह पे दो डालोगे एन सी टू मिलेगा, ए का पावर एन माइनस टू मिलेगा, बी का पावर
टू मिलेगा, सॉरी यहाँ गलती लिखे हुए हैं, एन सी टू है तो बी का पावर टू होगा ना, समझ रहे हो बात को? तो इसी तरह से आप लास्ट वाला को ऑपरेट करोगे तो आर की जगह पे आपको अपर सफिक्स डालना होगा, तो एन सी एन पड़ेगा, वो दिखाई दे रहा है, ए का पावर होगा एन माइनस, आर की जगह पे आप फिर से क्या डाल रहे हो, एन डाल रहे हो, तो एन माइनस एन जीरो, तो ए का पावर जीरो वन हो जाएगा और बी का पावर एन हो जाएगा। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। एक और सिग्मा ऑपरेशन बताओ, माइनस वाला, याद है ना कि अगर a माइनस बी का पावर n रहेगा तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसको ऑपरेट करो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो ऑपरेशन है इसके बराबर है और यही ऑपरेशन इसके बराबर है, तो क्या कभी भी तुम्हारे सामने अगर ये देखें, ये कह दे कि ये a प्लस बी का पावर n है, तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे? यही चीज को ना ये छोटा सा फॉर्म में लिखे हो और यही चीज ना ये था, याद रखना, इसके जगह पे कभी ये भी लिखेंगे और इसके जगह पे कभी वो भी लिखेंगे और इसके जगह पे कभी ये भी लिखेंगे, सारा चीज़ याद रखना है। अब a माइनस बी का पावर n के लिए बताओ क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेट क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, होता है कि नहीं होता है? तो उसको लिख देते हैं पहले हम, चलिए, तो यहाँ पे हम माइनस वाला लिखे हैं। अब माइनस वाला का अगर सिग्मा ऑपरेशन देना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ? माइनस वाला का अगर सिग्मा, ये तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन सिग्मा ऑपरेशन हम कैसे देंगे इसको? तो सिग्मा ऑपरेशन के लिए फिर से देखो, एन सी आर हो रहा है ना, आर ही बदल रहा है ना केवल, तो आप क्या कर लो कि एन सी आर कर लो, फिर आप ये जानते हो कि पहला के ऊपर जो पावर जाता है ना आपका, पहला टर्म जो होता है माइनस के पहले, उस पर एन माइनस आर जाता है, वो लिख लो, और सेकेंड टर्म है आपका माइनस बी, समझ में आ रही है बात, उसके ऊपर पावर जाएगा सी का लोअर सफिक्स। अब एक बार चेक कर लो ना सेटिस्फाइड होने के लिए कि हम सही लिखे हैं कि नहीं, तो आर बराबर स्टार्टिंग कहाँ से करोगे भाई, जीरो से एन तक, तो जब जीरो डालोगे तो एन सी जीरो मिला, सही है, आर बराबर जीरो डालोगे तो ये ए का पावर एन भी मिलेगा और कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन माइनस बी का पावर जीरो हो रहा है तो माइनस बी का पावर जीरो तो वन हो जाएगा ना, कोई भी नंबर का पावर जीरो वन होगा ना, केवल जीरो को छोड़ के बताएंगे, हर चीज़ का पावर जीरो वन नहीं होता है, एक्सप्लेन करेंगे लेकिन अभी नहीं, नहीं तो फिर बाइनोमियल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हर चीज़ का पावर वन नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, वन डालते हैं, तो वन डालेंगे तो माइनस भी आना चाहिए, तो देखते हैं वन डाल के, तो सबसे पहले वन डालेंगे तो ये एन सी वन बनेगा, वो चलेगा, ए का पावर एन माइनस वन बनेगा, वो भी चलेगा। अब बताओ माइनस बी का पावर वन होगा तो क्या माइनस बाहर आ जाएगा? अब आप दो डाल दो, एन सी टू आया, ए का पावर एन माइनस टू भी आएगा और माइनस बी का पावर दो आएगा, तो ये जो पावर दो है वो माइनस को गायब कर देगा ना, तो ये टर्म प्लस भी है। लास्ट वाला टर्म में डाल के अब देखते हैं, एन आर की जगह पे एन, तो एन सी एन मिला और फिर ए का पावर एन माइनस, आप आर की जगह पे एन ही डाल रहे हो तो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो ए का पावर जीरो वन हो जाएगा, यानी कि ये नहीं रहेगा, तो एन सी एन और माइनस बी का पावर एन आ गया कि नहीं? तो कुछ लोग ये याद रखते हैं और कुछ लोग अभी जो हम लिख रहे हैं वो याद रखते हैं, क्या समझना ध्यान से, इस माइनस जो बी का पावर आर है ये माइनस को हम पहले ही नहीं लिख देंगे माइनस वन का पावर आर, माइनस वन का पावर आर लिख देते हैं और एन सी आर लिख देते हैं, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, क्या बात सही है? माइनस बी का पावर आर था ना, तो हम माइनस बी को क्या किए, माइनस बी का पावर आर को क्या किए कि माइनस वन इंटू बी कर दिए, अब माइनस बी इंटू सॉरी माइनस वन इंटू बी कर दिए, उसका पावर आर कर दिए, तो पावर के बारे में हम जानते हैं ना कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर टू इंटू थ्री रहता है और पावर में मान लो तुम्हारा तीन रहता है तो ये तीन केवल तीन पे जाता है कि दोनों पे जाता है, समझ रहे हो बात को? तो ये जो ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से माइनस बी का पावर आर है तो माइनस पे भी पावर आर है और बी पे भी पावर आर है,
तभी तो आप कहते हो कि तीन होगा तो माइनस आ बच जाएगा, आ चार होगा तो माइनस नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं ना कि उस माइनस को पहले ही लिख दिए कि आर अगर आपका ऑड नंबर रहेगा तो वो माइनस जनरेट करेगा। जैसे आर का वैल्यू वन रहेगा तो माइनस आना चाहिए, आर का वैल्यू तीन रहेगा माइनस आना चाहिए, आर का वैल्यू पाँच रहेगा माइनस आना चाहिए। अब समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा ये सिग्मा ऑपरेशन कि अल्टरनेट अगर प्लस माइनस चलता है ना तो ए माइनस बी का पावर एन को ऐसे लिखते हैं। समझ गए बात को? प्रिंट कर लीजिए। तो सिग्मा ऑपरेशन यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम लोग एग्जांपल से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना?